इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे उड़ीसा के बुलांगीर रियासत की कहानी। जब हम भारत की रियासतों की बात करते हैं तो हम जनरली उत्तर भारत की रियासतें जैसे कि कश्मीर या पटियाला, या फिर वेस्टर्न इंडिया की रियासतें जैसे कि बड़ौदा हो या जामनगर हो, या दक्षिण की रियासतें या जैसे मैसूर या ट्रावणकोर हो, उनकी बात करते हैं। बट एक जो ग्रुप था रियासतों का जिसे जनरली भारत के इतिहास में और रियासतों के इतिहास में अनदेखा किया जा सकता है, वो था उड़ीसा स्टेट्स, जो उड़ीसा की जो रियासतें थी, और सेंट्रल इंडिया स्टेट्स जैसे कि बस्तर, कांकेर, जो आज के छत्तीसगढ़ में आती है। बुलांगीर रियासत जो है वो मयूरभंज के बाद उड़ीसा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। बुलांगीर रियासत को ब्रिटिश काल में पटना भी कहा जाता था, इसलिए अगर आप सारे जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स देखें तो महाराजा ऑफ बुलांगीर को जनरली महाराजा ऑफ पटना बुलाया जाता था। तो अगर आप कहीं पे भी पटना या पटना स्टेट का रेफरेंस देखें इतिहास में तो आप कंफ्यूज ना हो, ये बिहार का पटना नहीं है, ये बुलांगीर पटना है जिसे उस समय पटना कहा जाता था। बुलांगीर का इतिहास समझने के लिए हमें इस पूरे रीजन का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। बुलांगीर जो है वो उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट में आता है। उड़ीसा के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जनरली बात होती है कलिंगा की। अब कलिंगा जो है वो जो ईस्टर्न रीजन है, जो कटक और ये जो पूरा इलाका है वो ये इलाका है, और प्राचीन काल में तो ये भारत का सबसे समृद्ध इलाका हुआ करता था, और इसीलिए इनफैक्ट जो सम्राट अशोक है उन्होंने कलिंगा पर लड़ाई की थी और वो बहुत कत्लेआम हुआ था, और उस लड़ाई की कहानी तो बहुत फेमस है। तो एक तरफ जहाँ पे कलिंगा की बात होती है और ईस्टर्न उड़ीसा की बात होती है, लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं वेस्टर्न रीजन ऑफ उड़ीसा को। अब ये जो पूरा क्षेत्र है वो दक्षिण कोसला कहा जाता है या महाकोसला रीजन कहा जाता है, और जितना समृद्ध कलिंगा था उतना ही समृद्ध ये जो दक्षिण कोसला का रीजन है वो भी था। इनफैक्ट हमें जो आचार्य चाणक्य है, जो फेमस चाणक्य थे मौर्य दरबार के, उन्होंने यहाँ के जो दक्षिण कोसला है उसकी समृद्धि के बारे में, यहाँ के हीरो, यहाँ पे हीरे मिलते थे उसके बारे में, हाथियों के बारे में यहाँ के, और इस पूरे इलाके के बारे में अर्थशास्त्र में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। यहाँ पे कई डायनेस्टीज़ हुई जो वैसे भी जनरली भारत के इतिहास में उनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, जैसे कि पांडुवंशी हो, सोमवंशी हो, कालाचुरी हो, और फिर आगे चल के चौहान डिनेस्टी जिसने फिर बुलांगीर पर राज किया। जो बुलांगीर का जो चौहान राज परिवार है उसका जो पहले का इतिहास है उसके बारे में हमें ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है 16th सेंचुरी की एक किताब कोसला नंदा, जो हमें कोसला के इतिहास के बारे में बताती है। इस 16th सेंचुरी टेक्स्ट कोसला नंदा के अनुसार जो चौहान राज परिवार है उसकी शुरुआत तब होती है जब 14वीं शताब्दी में, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पर राज कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो हमीर देव चौहान करके एक राजा थे, उनका राज्य था समवेयर इन बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हमला करके राजा हमीर देव को मार डाला, और जो उनकी पत्नी थी रानी आसावती वो सती हो गई। अब राजा हमीर देव के एक लड़के थे जो बहुत कम उम्र के थे, रमई देव करके, तो वो और उनके जो सेवक थे वो इस छोटे राजकुमार को लेकर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से निकलकर इस कोसला, इस उड़ीसा में आ गए। अब उस समय ये पूरा जंगल एरिया हुआ करता था और यहाँ पे ट्राइबल रूलर्स और ट्राइबल चीफ्टन्स हुआ करते थे।
अब कोसलानंदा के अनुसार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौहान डायनेस्टी का राज बुलंदगीर में आने से पहले यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था, जो हम सेमी डेमोक्रेसी या ओलिगार्की बोल सकते हैं, जहां पर 8 सरदार जिन्हें अष्टमालिक या अष्टमंत्री कहा जाता था, ये टर्न बाय टर्न रूल करते थे और एक काउंसिल थी और जो उनका मुखिया टर्न बाय टर्न रूल करता था। अब उनमें से एक थे एक ब्राह्मण नेम चक्रधर पाणिग्रही, और इसी चक्रधर पाणिग्रही ने इस छोटे जो राजपुत्र है हमीर देव चौहान को अपना बेटा बनाकर अपने पास रखा और उन्हें बड़ा किया, सिखाया, ही बिकेम अ ग्रेट वॉरियर एंड ऑल। अब क्या हुआ कि जब ये जो सिस्टम रोटेशनल सिस्टम था अष्ट मंत्रियों का, अष्ट मालिकों का, तो जब चक्रधर पाणिग्रही का टर्न आया टेन्योर यहाँ पर राज करने का, तो उन्होंने क्या किया, ये जो रमई देव है जो उस समय काफ़ी पावरफुल योद्धा बन चुके थे, तो उनके हाथ में सारा कंट्रोल दिया और रमई देव ने बाकी जो 7 जो गार्डियंस थे इस एरिया के, जो 7 मंत्री थे, उनकी हत्या करके ये पूरा इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ये कितनी सच कहानी है ये हमें नहीं पता है, ये एक फोकलोर भी हो सकती है, बट हमें ये जो पुराने किताबें हैं उसमें ये रेफरेंस मिलता है और तभी से यहाँ पर चौहान राज परिवार का शासन शुरू हुआ। फिर आगे चल के जो यहाँ के जो चौहान शासक थे वो जो कलिंगा और जो ईस्टर्न उड़ीसा के जो गजपति राजा है उन्हें ट्रिब्यूट दिया करते थे। फिर हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय है उन्होंने बुलंदगीर इस एरिया पर अटैक किया था। हमें रेफरेंस मिलता है कि जो गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक है उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ होती थी। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज जनरली हम ओडिशा के जो वेस्टर्न ओडिशा है उसके इतिहास के बारे में बात नहीं करते, तो वी डोंट रियलाइज कि वो कितना सेंट्रली एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, बिकॉज एक तरफ बस्तर का राज है, एक तरफ विजयनगर साम्राज्य है, जो कोस्टल एरियाज है उसमें द गंगाज और गजपतिस का राज है। तो ये एक अगर 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी अगर आप देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ वॉर या थिएटर ऑफ एक्शन हम उसे बोल सकते हैं। 16वीं शताब्दी में एक राजा हुए राजा बलराम देव, और उन्होंने ही एक गढ़ यहाँ पर बनवाया। तो आगे चल के इस बलराम गढ़ से ही फिर बलराम गिर और फिर बलराम गिर से ही बुलंदगीर ये नाम पड़ा। आज उसे बालनगीर ओडिशा ऑफिशियली उसे ऑफिशियली बालनगीर कहा जाता है। और राजा बलराम देव के वक्त ही जो राज्य था उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हो गया संभलपुर का जो राजा बलराम देव के अंडर आया, और उनके जो छोटे भाई थे राजा नरसिंह देव उन्होंने बुलंदगीर पटना का राज संभाला। फिर आगे चल के क्या हुआ कि जैसे संभलपुर का जो राज है वो इतना बड़ा और शक्तिशाली और अमीर हो गया कि उसके कंपैरिजन में ये जो बुलंदगीर पटना का जो राज है वो एक ऑलवेज एक सेकेंडरी स्टेटस पे था। ये चलता रहा। फिर आगे बिकॉज ये एक रिमोट इलाका था, जंगली इलाका था, तो जो मुगल शासक है एंड ऑल, उन्होंने हमें ये रेफरेंस नहीं मिलता है कि मुगलों ने हमला किया एंड ऑल, जब तक उन्हें ट्रिब्यूट मिलता था इन सारी ओडिशा की रियासतों से, तो जनरली हमें ज़्यादा रेफरेंसेस मुगलों के इस एरिया में नहीं मिलते हैं। आगे चल के अराउंड 1770s में एक नई ताकत जो भारत में उभर रही है वो भी अब उड़ीसा पर और बुलंदगीर और जो बाकी के जो राज है जैसे कि सोनपुर, रतनपुर, संभलपुर, इन सब पे एक अफेक्ट होना शुरू करती है, और वो थे मराठास। तो एक तरफ जहाँ पर जो पेशवास थे उनके अंडर उनके जो सरदार्स थे जो गुजरात और राजस्थान
में अटैक करके और मालवा में अपने राज बसा रहे थे, तो जो ईस्टर्न भारत का जो एरिया है ओडिशा बंगाल एंड ऑल, यहाँ ये नागपुरकर भोसले राज परिवार के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। अब क्या हो गया कि जब राघोजी भोसले हैं और बाकी जो भोसले शासक हैं उनके जो कमांडर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर इन सारे जो उड़ीसा स्टेट्स थी इंक्लूडिंग संभलपुर, बोलंगीर, सोनपुर, कालाहांडी, इन सारे रियासतों पर कब्जा कर लिया। और अनफॉर्चुनेटली आई मीन हमें काफ़ी रेफरेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लूटपाट मचाई, काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचाया। फिर आई मीन जो मराठा पीरियड था, जो बोलंगीर और इन सारे उड़ीसा स्टेट्स के हिस्ट्री का, वो एक पीरियड था एक्सप्लॉयटेशन का। यहाँ से वो जो मराठे हैं वो लगान ज़बरदस्ती वसूल करके नागपुर ले जाते थे। तो एक यहाँ के लोकल जो राजास थे और लोकल जनता थे उनको मराठों को लेकर काफ़ी एक असंतोष था। आगे चल के क्या हुआ कि ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, नागपुरकर भोसलेज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी हो गई। और 1803 में ये जो सारी जो उड़ीसा स्टेट्स थी, जिन्हें गर्जाट स्टेट्स कहा जाता था, जैसे मैंने कहा बोलंगीर, संबलपुर, कालाहांडी, केओझार और ये सारी एरियाज, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए। पर तब क्या हुआ, अंग्रेज़ों को लगा कि देखिए ये एक बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पे उन्हें उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं था इन रिमोट एरियाज में। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अननेसेसरी हमें हेडेक नहीं चाहिए। तो तीन साल के बाद 1806 में ये जो सारी जो स्टेट्स हैं वो नागपुरकर भोसले को वापस दे दी गई एंड दे अगेन बिकेम अ पार्ट ऑफ नागपुर स्टेट। फिर हमें ये रेफरेंस मिलता है कि जो नागपुरकर भोसले थे उन्होंने जो बोलंगीर के राजा थे और सोनपुर के राजा थे और काफ़ी ये जो उड़ीसा के राजा हैं उन सबको बंदी बनाकर चंद्रपुर के किले में, जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वहाँ के किले में उन्हें बंदी रखा। और काफ़ी साल तक ये सारे जो उड़ीसा के जो राजा हैं वो चंद्रपुर के किले में, उस समय चंदा कहा जाता था, चंदा फोर्ट, वहाँ पर बंदी रखा गया। अब थैंकफुली फॉर द ओडिशा स्टेट्स एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द नागपुरकर भोसलेज, 1853 में लॉर्ड डलहौसी है उन्होंने नागपुर रियासत को जब्त कर लिया, बिकॉज जो नागपुर के जो आखिरी भोसले राजा थे उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये जो पूरा नागपुर स्टेट है वो ब्रिटिश साम्राज्य में अनेक्स हो गया और ये जो सारे जो ओडिशा स्टेट्स हैं दे केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। फिर आगे चल के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो उड़ीसा स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग बोलंगीर, उनके बीच में ट्रीटीज हुई एंड ऑल। इंटरेस्टिंगली 1857 में संभलपुर जो है, जो सिस्टर स्टेट था, ब्रदर स्टेट था बोलंगीर का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। और हमें ये रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि जो बोलंगीर के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी रसद और सीक्रेटली जो क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे उनकी काफ़ी मदद की थी। फिर 1860s में हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि बोलंगीर जो स्टेट है वहाँ पे जो कोंद ट्राइब रहती थी, कंधमाल, ये जो कंधमाल रीजन है उड़ीसा का और वहाँ पे कोंद ट्राइबल्स रहते थे, तो उन्होंने काफ़ी बगावत काफ़ी सालों तक की थी। तो वो हमें रेफरेंस मिलता है कि जो उठाव अंग्रेज़ों के खिलाफ होते थे। बट जनरली बिकॉज ये एक रिमोट एरिया था और अभी तो हम जानते हैं कि यहाँ पे माइंस और मिनरल्स और ये सारी चीज़ें, पर उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ज़्यादातर जो ब्रिटिश हैं उन्हें इन स्टेट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। 1920s में यहाँ पे जो महाराजा पृथ्वीराज सिंह देव हुए, तो उनके कार्यकाल में बोलंगीर में काफ़ी विकास हुआ। यहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जो प्रिंटिंग प्रेस हो या एक उसे एक बैकवर्ड फ्यूडल किंगडम से लेकर एक मॉडर्न किंगडम बनाने की कोशिश की गई। महाराजा पृथ्वीराज सिंह देव जो है उनकी कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने सरायकेला राज परिवार से एक लड़के को गोद लिया
जो थे राजेंद्र नारायण सिंह देव या आर एन सिंह देव, जो 1921 में बोलंगीर की राजगद्दी पर बैठे। महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव है उनके, वो एक बहुत अच्छे शासक थे और उनके कार्यकाल में जो बोलंगीर रियासत है वो उड़ीसा की सबसे वेल एडमिनिस्टर्ड रियासत मानी जाती थी। यहाँ पर जो पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था उसे हटाकर उन्होंने एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्थापना की। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने पूरी तरह से ओवरहॉल किया। यहाँ पर उन्होंने एक कॉलेज खोला जिसे राजेंद्र कॉलेज कहा जाता है, तो काफ़ी विकास हुआ। अब ये भी समय था जब भारत आज़ादी की तरफ जा रहा था, और जब भारत आज़ाद हो गया तो ये जो उड़ीसा की जो स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न स्टेट्स, एक यूनियन, जैसे मैंने आपको बाकी एपिसोड्स में बताया कि जैसे सौराष्ट्र यूनियन है, मध्य भारत है, बाकी रियासतें एक कंबाइन हुई, तो पहले ईस्टर्न स्टेट्स यूनियन और फिर उड़ीसा स्टेट यूनियन में ये सारी जो रियासतें हैं वो विलीन हो गई। बोलंगीर राज परिवार की इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत की आज़ादी के बाद और बोलंगीर रियासत भारत में विलीन होने के बाद भी जो राज परिवार है उसने जो यहाँ की जो उड़ीसा की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। आर एन सिंह देव है वो आगे चल के जो गणतंत्र परिषद करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसके वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। स्वतंत्र पार्टी, फिर वो आगे चल के जब स्वतंत्र पार्टी करके एक पार्टी बनी उसके लीडर थे। 1967 से 1971 तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी उड़ीसा में काम किया। और फिर उनके निधन के बाद उनके जो जो बच्चे लड़के थे और अभी उनके जो बाकी वंशज हैं जैसे कि संगीता सिंह देव, कलिकेश सिंह देव और बाकी परिवार के सदस्य, वो भी उड़ीसा की राजनीति में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक मायने से अगर देखा जाए तो 14वीं शताब्दी से आज तक जो बोलंगीर का जो चौहान राज परिवार है उसकी जो ताकत है वो अभी भी बनी हुई है। तो ये थी कहानी बोलंगीर रियासत की।